मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनता दरबार के दौरान आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को गोरखपुर पुलिस गंभीरता से ले रही है, जिसको लेकर एक रूपरेखा भी तैयार की जा रही है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि जनता दरबार में आए हुए मामलों को अलग अलग विभागों में बैठ कर उसके निस्तारण की योजना तैयार की जा रही है, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए जो भी जनता दर्शन और IGRS में जो भी एप्लीकेशन चढ़ता है उसको हम लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं। जनता दर्शन के मामले को तमाम कैटेगरीज में विभाजित किया गया, जमीनी विवाद, मुकदमे से संबंधित, महिला अपराध से संबंधित, पुलिस के खिलाफ शिकायत या कोई अन्य कोई समस्या है तो सीरियसनेस के हिसाब से DSP रैंक के अधिकारी से जाँच करवाया जा रहा है और जाँच उपरांत जो भी तथ्य सामने आ रहा है उसके एवज में तत्काल कार्रवाई करने हैं तो निर्देशित मेरे तरफ से भी और मेरे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से भी इशू किया गया है। तत्परता दिखाते हुए काफ़ी निस्तारण भी किया जा रहा है। कुछ जमीनी विवाद ऐसे है कि जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, जो कि सिविल न्यायालय के माध्यम से ही वो निपट सकता है, ऐसे मामलों में 107(16) की कार्रवाई कर रहा है। देखिए जहाँ पे विवेचक से संबंधित शिकायत आ रही है, विवेचना में सुधार करने की भरपूर प्रयास किया जा रहा है और जहाँ पे विवेचक की जो बदनीयती सामने आता है तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।